नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष, आपको सीधे लेकर आया हूं सोनपुर के मंदिर में। जी हां, ये बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। जी, ये पौराणिक मंदिर है, इसकी महत्ता तो पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। पंडित जी, क्या महत्व है इस मंदिर का? यहाँ बाबा हरिहरनाथ है, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महादेव, और ये विश्व ब्रह्मा का स्थापना किया हुआ शिवलिंग है, और इसी में एक साथ दोनों का पूजन होती है, हरि और हर दोनों एक साथ में ही है यहाँ। तो देखिए, एक खासियत ये है कि एक मूर्ति में ही भोलेनाथ भी हैं और हरि भी हैं, यानी विष्णु भी हैं, और इस मूर्ति की स्थापना खुद ब्रह्मा ने अपने हाथों से की है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए यही मंदिर है, और मैं कहूँगा कि दिखाएं मंदिर के अंदर चलकर कि क्या नज़ारा है। लगातार सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। अभी मंदिर की साफ सफाई चल रही है, पूजा अभी रोका गया है, इसलिए अभी भीड़ नहीं है। आप आसानी से आपको हम दिखा सकते हैं तस्वीर, इसीलिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बाबा का दर्शन कर लीजिए, बाबा हरिहरनाथ का दर्शन कर लीजिए। ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ है बाबा हरिहरनाथ का। देखिए देखिए, तो बाबा हरिहरनाथ का मंदिर का ये नजारा है, पूजा पाठ चल रहा है, पूजा अर्चना चल रहा है। तो हरिहर क्षेत्र सोनपुर पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है। भारतवर्ष के प्रागैतिहासिक जो विवरण है, ऐतिहासिक विवरण है, उससे पता चलता है कि यहाँ बहुत ही महत्व है। पूजा कर लो। तो बाबा हरिहरनाथ का मंदिर पौराणिक है। जी हाँ, यहाँ पर ही गंगा नदी में गज ग्राह की लड़ाई हुई थी, और भगवान विष्णु गज के बुलावे पर यहाँ आए थे और ग्राह से उसकी जीवन की रक्षा किए थे। देखिए, ये मंदिर की खासियत है, मंदिर खासियत है कि हरि और हर, यानी भगवान विष्णु और भोलेनाथ एक साथ हैं एक मूर्ति में। ये कभी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, अद्भुत नजारा है। तो ये दर्शन देखिए, ये अद्भुत नजारा है। देखिए, विष्णु भगवान और भोलेनाथ एक साथ हैं, एक ही मूर्ति में हैं, और नीचे शिवलिंग भी है। तो अद्भुत नजारा है। ये पौराणिक मंदिर है, इसकी स्थापना किसने की किसी को पता नहीं है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, भगवान राम और लक्ष्मण के साथ भी यहाँ पर आए थे। तो ये बड़ा ही अद्भुत और पौराणिक मंदिर है, और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आप मनोकामना करेंगे वो पूरी होगी, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सही दिल से आप अगर कोई भी कामना करें और आशीर्वाद मांगे तो बाबा जरूर देते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से दिखा दूं, क्योंकि ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा नहीं। अभी भीड़ कम है, साफ सफाई का काम चल रहा है, इसे आप दर्शन कर सकते हैं। ये शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर मूर्ति है भगवान विष्णु और भोलेनाथ का एक साथ। तो ऐसा अद्भुत मूर्ति आपको दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर देखिए, पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। तो अद्भुत मंदिर आपने देख लिया, तो हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। तो जो भक्त हैं, सुबह 3 बजे से ही यहाँ पर जमे हुए हैं। तो सुबह 3 बजे से यहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है, बाबा की पूजा अर्चना हो रही है। तो आप देख लिए बाबा के मंदिर का अंदर का नजारा है, गर्भगृह का नजारा है। तो लोग जल चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और ये ऐसी मूर्ति है, मैं कहूँगा चलो जी दिखाएं, मूर्ति ऐसी है जिसके सामने सच्चे मन से कोई भी मनोकामना मांगी जाए पूरी होती है। जी हाँ, कोई भी मनोकामना मांगेंगे पूरी होगी। तो देखिए, ये है अद्भुत मंदिर है, और यहाँ पर भोलेनाथ और विष्णु भगवान एक साथ हैं। आइए बाहर का नजारा हम दिखाएंगे कि क्या हाल है। अभी मंदिर में देखिए, मंदिर में अभी भीड़ कम कर दी गई है, क्योंकि साफ सफाई का काम चल रहा है। देखिए यहाँ पर, तो आपने देखा कि पुजारी जी ने बुलाकर मुझे भी आशीर्वाद दे दिया है, तो ये प्रसाद भी मिल गया। आपको बाहर भी दिखाएंगे, चौबे जी हमारे सहयोगी हैं जो दिखा रहे हैं।
अंदर की तस्वीर दिखा चुके हैं, गर्भगृह का तस्वीर। हालांकि इसमें घुसना इतना आसान काम नहीं है, सुबह 3 बजे से ही यहाँ श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है, जल चढ़ाने पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। अभी साफ सफाई के लिए मंदिर को खाली कराया जा रहा है ताकि साफ सफाई हो, फिर 5 बजे से बाबा का श्रृंगार होगा और फिर श्रद्धालुओं की एक भीड़ उमड़ेगी मंदिर में। तो ये बाबा हरिहरनाथ का मंदिर आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी सच्चे मन से दुआ मांगेंगे पूरी होगी, मुराद आपकी पूरी होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे और बाबा के अगर भक्त हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।